हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगर आप हिमाचल में पिछले दो तीन सालों की एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि हिमाचल में जो रेगुलर पोस्ट रहती हैं तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और फ्यूचर में आपको ज़्यादातर आउटसोर्स भर्तियां देखने को मिलेंगी हिमाचल में सरकारी भर्तियाँ ना होने के कारण मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा फ्यूचर का भी और अभी करंट क्या सिचुएशन है ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको मैं पहला रीज़न बताऊं सरकारी भर्तियां ना होने के जो कारण है तो आप भी इससे एग्री होंगे कि हिमाचल पे जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है सरकार को लगातार लोन लेना पड़ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है वो लगातार खराब हो रही है और जो भी बजट अलॉट होता है डिपार्टमेंट को तो डिपार्टमेंट भी उसमें सोच समझ के जो है वो भर्तियाँ एक साल में करने की सोचते हैं ताकि उनके पास बजट की कमी ना हो जिसकी वजह से आपको भर्तियाँ देखने को नहीं मिलती हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी होते हैं जहाँ पे जो वेकेंट पोस्ट को भरने के लिए जो बजट होता है वो लैप्स भी हो जाता है उस साल में इसका कारण है कि इस टाइम पे हिमाचल में राज्य चयन आयोग की वर्किंग नहीं हो रही है जिस वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिली नेक्स्ट है कि जो सरकार का अधिकतर पैसा है वो सैलरी और पेंशन में ही खर्च हो रहा है और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ओ की वापसी हो चुकी है तो एक समय पे ओ को कुछ सोच समझ के बंद किया गया था यहाँ से बहुत सारे लोग हो सकता है कि एग्री नहीं होंगे उनका कहना होगा कि ओ जो है वो जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका हक है ये चीज़ तो है लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये यह भी सोचने वाली है कि जब एक टाइम पर इस चीज़ को बंद किया गया तो कुछ तो सोचा गया होगा और इस टाइम पर नए पे, पे कमीशन है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अच्छी खासी सैलरी है तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं कि फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं रहेंगी और हो सकता है कि एक समय हिमाचल में ऐसा भी आ जाए जब सरकार के पास कोई ऑप्शन ही ना हो और जो सरकारी नौकरी में लोग हैं उनको किस तरह से सैलरी दी जाए जो रिटायर्ड हैं उनको किस तरह से पेंशन दी जाए क्योंकि धीरे धीरे वित्तीय स्थिति जो है वो ख़राब हो रही है और ये ऐसे ख़राब नहीं होती यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है वो अगर नहीं सोचे कि किस तरह से हम रेवेन्यू को इनक्रीज़ करेंगे और एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो ये दिक्कतें आपको फ्यूचर में और ज़्यादा देखने को मिलेंगी और रेगुलर पोस्ट जो है वो आपको कम होती हुई दिखेंगी जिस तरह से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपको एन के माध्यम से ज़्यादा भर्तियाँ फ्यूचर में देखने को मिलेंगी उस तरह से बहुत सारे बोर्ड और कॉरपोरेशन है जहाँ पे आपको आउटसोर्स भर्तियाँ देखने को मिली वैसे ही बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे भी आपको फ्यूचर में आउटसोर्स भर्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी मैं ऐसा नहीं बोला कि अभी यहाँ पे आउटसोर्स भर्तियाँ नहीं हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे ऑलरेडी और आउटसोर्स भर्तियाँ बहुत सारी हो चुकी हैं जिनके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा और वो रेगुलर भर्तियाँ होती रहती हैं उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता है और न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल आ जाता है एडवर्टाइज़मेंट के तौर पर ताकि कल को, को कोई चैलेंज ना कर दे कि ये भर्ती कब एडवर्टाइज़ हुई थी तो ये सब चीज़ें हैं बाकी आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है हो सकता है कि आपका भी कोई पर्सनल ओपिनियन हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये कारण भी हो सकता है तो वो चीज़ भी आप बता सकते हो क्योंकि अभी जैस जैसे आचार संहिता खत्म होगी तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि सरकार का क्या रवैया रहेगा क्या जो भर्तियाँ रुकी हैं जो या जो आचार संहिता से पहले आने वाली थी उनको एकदम से लाया जाता है या फिर से वही जो पिछले एक डेढ़ साल से हमें देखने को मिला है कि टोटली ये सिस्टम रुक चुका है और अभी समय लग सकता है राज्य चयन आयोग की वर्किंग में पर देखने वाली बात होगी कि कौन सी टेस्टिंग एजेंसी को वो फाइनल करते हैं क्या क्या चीज़ें वो करते हैं और कितने जल्दी ये चीज़ें होती हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कमेंट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए